हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है हमारी वो लैंडिंग फुट पे है, क्योंकि जिस तरह से तीन तरह का होता है लैंडिंग फुट, आप मोस्टली जो फास्ट बॉलर जो स्ट्रेट आर्म एक्शन होते हैं उनका पाँव बिल्कुल सीधा आता है, और फिर कुछ होते हैं 45 डिग्री की पे आता है, और जो बहुत ज़्यादा तेज़ फास्ट बॉलर हुए हैं जैसे विक्की भाई थे, शुएब अख्तर था, उनका बिल्कुल 90 डिग्री पे जाता है ये वाला लैंडिंग फुट। ये तीन तरह के लैंडिंग फुट होते हैं, उनमें से 90 डिग्री, 45 और एक सीधा। और जिस तरह से मैं जिस तरह का बॉलर था, सीधा एक्शन था, सीधी बॉडी थी, तो मेरा लैंडिंग फुट जो बिल्कुल सीधा आता था। और लैंडिंग फुट को बेहतर आप अर्ली ऑन कर सकते हैं यंगस्टर, जब आपकी एज 17-18 की होगी है ना, तो ये आपका लैंडिंग फुट अगर 90 पे है तो आप उसको सीधा नहीं कर सकते, अगर 45 पे है तो उसको 90 पे डिग्री पे एंगल पे नहीं लेके जा सकते। ये 16-17 साल की ये जो चीज़ होती है ना, लैंडिंग फुट अगर डेवलप हो गया ना आपका, एक दो साल में आपके क्लब क्रिकेट आपने खेली है, तो फिर ये आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद हम अगले पाँव पे जाएंगे, वो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मगर ये बिल्कुल जो यंगस्टर छोटे बच्चे हैं ना, वो उनके लिए है कि जो 13 से लेके 16 साल की एज तक होते हैं, और उनको ये चीज़ का ख्याल नहीं होता, वो आते हैं सिर्फ बॉलिंग करते हैं, वो आगे देखते हैं, ये चीज़ें वो भूल जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है ना टॉप क्रिकेट खेलने से रह जाते हैं ये चीज़ों की वजह से। कोशिश करनी है जब आपका ये पहला लैंडिंग फुट है ना, ये सीधा होना चाहिए, सीधा, ये चाहे वो 45 डिग्री पे है चाहे वो 90 डिग्री पे है। अगर ये थोड़ा सा क्लैप्स हो जाता है, ये देखे क्लैप्स हो गया, तो आपकी हाइट यहीं से कम होगी, तो कोशिश करना ये सीधा हो, ये देखे हाइट, और ये देखे क्लैप्स हो गया, तो आपकी हाइट तो इधर से आगे, और यही अगर यही क्लैप्स हो गया तो फिर आगे भी क्लैप्स हो जाएगा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप यंगस्टर के साथ, तो मेरा पाँव बिल्कुल सीधा आता था, क्लोज टू द स्टंप आता था, ये वाला लैंडिंग फुट जो है। अभी हम लोग लैंडिंग फुट पे, कुछ बॉलर्स के थोड़ा सा वाइड भी आते हैं, और आगे जाके हम इनके ऊपर भी बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्लोज टू द स्टंप होते हैं कुछ फास्ट बॉलर, और कुछ थोड़ा सा वाइड आते हैं, जो कि उनके अगला लैंडिंग फुट भी वाइड आता है। तो अगली जो बात करने जा रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, तो अगले फुट पे आ रहे हैं कि वो उसको कैसा बेहतर किया जा सकता है। अभी हम अगले स्टेप पे चले गए हैं, अगले स्टेप पे आप तीनों निशान देख रहे हो डिफरेंट, एक यहाँ कुछ फास्ट बॉलर वाइड ऑफ द क्रीज करते हैं, ठीक है, कुछ फास्ट बॉलर दरमियान से करते हैं, और कुछ फास्ट बॉलर क्लोज टू द स्टंप आते हैं, ठीक है, और उनका जो हाथ आ रहा होता है ना, वो पैर के बिल्कुल सर के करीब से आ रहा होता है, और इनमें तीनों में से आपने जज करना है कि तीनों में से मोस्ट इफेक्टिव बॉलर कौन होता है। जो वाइड ऑफ द क्रीज फास्ट बॉलर होते हैं, जिनका पाँव देखे यहाँ पे मैंने थर्ड जो बिल्कुल क्रीज के साथ आ रहा है, ये जो फास्ट बॉलर होते हैं और ये जो फास्ट बॉलर होते हैं, ये और ये दो स्टेप काफ़ी लड़के अर्ली ऑन क्लब क्रिकेट जब स्टार्ट करते तो इनको बेहतर नहीं करते, तो वो वहीं पे ही ऑलमोस्ट, फिर वो इतने जल्दी चेंज नहीं कर सकते जाके ऊपर वाली क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास में। तो कोशिश, मेरी कोशिश होती थी कि मैं यहाँ से बॉलिंग करूँ, जब आप यहाँ से बॉलिंग करते हैं और इन दोनों चीज़ों से आप यहाँ से अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो बैट्समैन को आपका बॉल अर्ली ऑन नज़र आ जाता है। यहाँ से भी जो बड़े टॉप बैट्समैन होते हैं वो भी जल्दी जल्दी चेक करते हैं। जो मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन है बैट्समैन को लेटर ऑन बॉल नज़र आए, तो वो ये है क्लोज टू द स्टंप। अगर आप क्लोज टू द स्टंप बॉलिंग करते हैं ना, तो बैट्समैन यहाँ खड़ा होता है ना, तो यूं ही वो देखता है तो बॉल उसके करीब आ चुका होता है। जो वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो बैट्समैन जल्दी पिक करता है उनकी लाइन और लेंथ को। तो ये आज की जो वीडियो थी, कोशिश करनी है जो मेरी तरह के बॉडी के फास्ट बॉलर है, लंबे टॉल हो, वो क्लोज टू द स्टंप यहाँ से आके कोशिश करें, कि ये चीज़ प्रैक्टिस से ठीक होगी। ये आप कुछ की तो नेचुरल होती है, मगर मेरी भी ये चीज़ प्रैक्टिस से ठीक हुई थी, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ठीक हुई थी। ये चीज़ जो मेरी बेहतर हुई थी, मैं क्यों क्लोज द स्टंप आ गया था, क्योंकि हमारे जो शेखुपुरा जिमखाना पे फास्ट बॉलर होते थे, वो ऑलमोस्ट 14-15 फास्ट बॉलर लगे होते थे एक टाइम पे, उनके सारे सबके पाँव इधर आ रहे होते हैं इस एरिए में, तो वहाँ क्या होता था कि होल बन जाता था। मेरी वो चीज़ कैसे बेहतर हुई, मैं बजाय कि होल में आपका पाँव होल में आए, वो टेढ़ा होगा, एंकल को टेढ़ा होगा, नी प्रॉब्लम होगी, तो मैं बचने के लिए मैं कोशिश करता मेरा पाँव होल में ना जाए, तो जहाँ पे मैं बॉलिंग करता था वहाँ से एक ही फास्ट बॉलर बॉलिंग करता था, बाकी सारे यहाँ से करते थे,
तो ये चीज़ मेरी उस वजह से ठीक हुई कि उस होल से बचने के चक्कर में मेरी ये चीज़ बेहतर होगी।